अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला, वेलकम टू फूडी मूडी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे कोफ्ता कढ़ी। ये बहुत आसान रेसिपी है, बहुत इजीली और बहुत आसानी से बन जाती है, और इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। तो देख लेते हम इसमें क्या क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने कीमा लिया, तकरीबन 1.5 पाव के करीब कीमा है। यहाँ पे मैंने 2 अदद टमाटर लिए जो आप बारीक स्लाइसेस में काटनी है, और प्याज भी मैंने 2 अदद लिए जो सर बारीक बारीक मैंने काटी। उसके बाद मसालों में मेरे पास यहाँ पे सूखा धनिया है, ये मैंने जो है मोटा मोटा कूट लिया है। अगर आप लोग चाहें तो पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने नमक लिया है, हाफ टेबल स्पून नमक है, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च है, और गरम मसाला मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून। अगर आप लोग चाहें तो जायके के लिए डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप लोग की मर्जी। ये बहुत आसान रेसिपी और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो आप लोग ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। जी आप लोग देख सकते हैं, अब कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम कीमो में मसाले ऐड करेंगे। ये मैं जीरा डालूंगा इसमें जो मैंने पीस के रख लिया था। उसके बाद ये मेरे पास नमक है, लाल मिर्च और सूखा धनिया, ये मैं इसमें डाल दूंगा। अगर आप लोग जायका और अच्छा करना चाहते हैं, स्पाइसी आप लोग को ज्यादा पसंद है तो आप लोग चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने मसाले इसमें डाल दिए, देख सकते हैं आप कितना अच्छा लुक आया। हम 5 मिनट वेट करते हैं फिर इनके कोफ्ते बने। जी हमने कोफ्ते रेडी कर लिए, आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लुक आया। अब बारी है इनको फ्राई करने की, तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब बारी है कोफ्ते फ्राई करने की, तो हम कोफ्ते फ्राई कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। जब भी आप कोई भी चीज़ फ्राई करें तो ये याद रखिएगा कि तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। अगर ठंडे तेल में डालेंगे तो जो है वो फिर अच्छी तरीके से फ्राई नहीं होगा। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, कितना परफेक्ट लुक आया है। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारा ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है। अब बारी है इसमें प्याज डालने की, तो हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याजों को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन करेंगे। ये देख सकते हैं आप तेल हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो चुका था, हमने प्याज इसमें डाल दिए हैं। अब जो है तकरीबन 1 से 2 मिनट वेट करेंगे क्योंकि हमने प्याजों को बहुत ब्राउन नहीं करना। जी आप लोग देख सकते हैं हमारे प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब बारी है इन्हें पीसने की। अब इसको पीस के और जो टमाटर थे उन दोनों को पीस कर इसका पेस्ट बना लेंगे। जी हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बना लिया, हुआ हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, अब जो है अगर आप लोग चाहें तो इसमें आलू डालें, अगर ना चाहें तो ना डालें। मैं एक आलू डालूंगा इसमें दरमियाने साइज का। अब जो इसमें तकरीबन जो है 1 गिलास पानी डालेंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं। नमक जो आप अपने हिसाब से हंसके जायका डाल सकते हैं। उसके बाद जो है लाल मिर्च डालेंगे तकरीबन 1/2 टेबल स्पून। हमारा जो है मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है और जो है तेल भी अच्छी तरीके से निकल रहा है। अब बारी है इसमें कोफ्ते ऐड करने की, जो हमने पहले फ्राई करके रखे थे वो हम कोफ्ते इसमें ऐड कर देंगे। ये हमने कोफ्ते इसमें डाल दिए। अब इसको हम तकरीबन सिर्फ 1 से 2 मिनट हल्की आँच पे पकाएंगे ताकि जो है इसका जो मसाला है वो कोफ्तों के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। जी जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, कितना परफेक्ट लुक है और कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं। ये बहुत आसान रेसिपी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, घर में बहुत आसानी से और बहुत जल्दी तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ये तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नई वीडियो में, जब तक दें इजाज़त, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।